आइए अब खबर देखते हैं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा के विवेकानंद कॉलोनी सच्चिदानंद सेवा समिति के द्वारा शिरडी साई बाबा मंदिर के स्थापना दिवस समारोह पर बाबा को चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया गया है। 20 नवंबर 1999 को विवेकानंद कॉलोनी साई मंदिर की स्थापना हुई थी। साई मंदिर में बाबा का सिंहासन 24 किलो चांदी से बना हुआ है। 21 लाख की लागत से बना है। इस सिंहासन पर बाबा को वैदिक मंत्र उच्चारण के द्वारा आज इस सिंहासन पर विराजमान किया गया। प्रातः सुबह 5:30 बजे आरती और अभिषेक किया गया। अपार सहयोग से मंदिर निरंतर सुविधाओं में और बाबा के भक्तों में वृद्धि हो रही है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाबा का चांदी का सिंहासन जो लगभग 24 किलो चांदी की लागत से बना है और 21 लाख रुपए का इसमें व्यय हुआ है। इस सिंहासन पर आज बाबा को वैदिक मंत्रोच्चार से विराजित किया गया है। प्रातःकालीन 5:30 बजे आरती हुई, फिर अभिषेक हुआ और अब जो प्रसाद है वो वितरित किया जा रहा है। सच्चिदानंद सेवा समिति सभी भक्तों का, दानदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करती है और यह भी मनोकामना करती है कि सभी साईं भक्तों की उन मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारा भारत देश, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा छिंदवाड़ा उत्तरोत्तर प्रगति करे और छिंदवाड़े में जो शांति है, जो यहाँ की आबो हवा है, जो यहाँ का वातावरण है वो सदैव बना रहे। बाबा की कृपा और आशीर्वाद सब पर बना रहे। परमात्मा की जो असीम कृपा है जिसके कारण ये सब संभव होता है वो हमेशा बनी रहे। जय साई राम। तो वहीं 12 बजे साई बाबा की आरती की गई और मंदिर प्रांगण में प्रसाद का वितरण भी किया गया। छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की ये रिपोर्ट।